वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपक मेडिक फार्मेसी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इससे पहले वाले लेक्चर में कि हम लोग का इम्पोर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक में ही। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो ये सभी के आपको आंसर के साथ आपको सब मिल जाएगा। तो चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दीपक मेडिक फार्मेसी को। तो चलते हैं वीडियो में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो जैसे कि हम लोग देखिए आज ये हम बताएंगे आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या है। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक चीज़ जान जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दोज ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एनिमल मिनरल्स मरीन्स एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द डिफाइंड सीक्वेंस इन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इजली। मतलब इससे क्या हम लोग क्या समझे कि क्रूड ड्रग, पहले तो ये हम जानते हैं कि क्रूड ड्रग होता क्या है, तो उसी के बारे में ये बताया गया कि क्रूड ड्रग होता क्या है। तो क्रूड ड्रग एक ऐसे ड्रग होते हैं जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है क्या, लाइक प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, मिनरल से मिलता है, मरीन मतलब कहाँ पानी से, समुद्र से मिलता है। तो उसी को हम लोग नेचुरल क्रूड उसी को हम लोग नेचुरल ड्रग बोलते हैं और क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो अब उसका क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने 7 क्लासिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा क्या, अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल और सीरोटैक्सिनोमो। ठीक है गाइस, तो ये हम लोग पूरा अभी पढ़ेंगे साथ में। तो इतना तो मुझे मैंने आपको समझा दिया है, तो ये मुझे बार में करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन। तो ठीक है गाइस, तो आप इसको वीडियो को रोक के आप इसको उतार सकते हैं और मेरे साथ ही इससे पूरा मैं आज इसको पूरा मैं बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन। तो अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे अल्फाबेटिक मतलब सबसे सिंपल वे है क्लासिफिकेशन का। तो इसमें क्या होता है, इन विच ड्रग आर अरेंज इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ देयर लेटिन एंड इंग्लिश नेम सम टाइम्स। मतलब अल्फाबेटिक मतलब हम लोग को जैसे कोई भी ड्रग है, पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग जैसे मेडिकल स्टोर में गए तो मेडिकल स्टोर वाले को सब कैसे पता होता है कि ये दर्द का दवा, ये बहुत सारी दवा होंगी, मगर वो कैसे जानते हैं। तो ये इसी ऑर्डर से इसी क्लासिफिकेशन से हम लोग जानेंगे कि मेडिकल स्टोर में कैसे लोग जानते हैं कि हमारा ये ड्रग कौन सा है और कहाँ रखा है और ये कैसा है। तो अल्फाबेटिक से ही समझ में आता है, जैसे ABCD, तो A to Z। तो अल्फाबेटिक से आप लोग क्या समझ रहे हैं, नाम में ही आपको आंसर मिल जाएगा बहुत। तो अल्फाबेटिक मतलब ए नाम के जितने भी ड्रग होंगे वो एक तरफ रखे होंगे, बी नाम के जो अल्फाबेटिक चलेगा ABC इसी तरह। तो मैं तो इसको देख लीजिएगा और मैं अभी आगे बताता हूँ आपको, फॉर देयर लोकल लैंग्वेज, और वो लोकल लैंग्वेज में मिलता है उसके। देखिए अब जो हम लोग को इसमें मेरिट डिमेरिट, मेरे मतलब उसकी अच्छाई क्या है और डिमेरी मतलब उसकी मतलब डिसएडवांटेज मतलब उससे नुकसान क्या है, उस डीजे से नुकसान क्या है क्या, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल देखिए क्या है, कैक्सिया, आगार, बेंजोइन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब जो ड्रग हैं नाम है, तो ये देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए से आगार भी ड्रग ये स्टार्ट हुआ, फिर बी से स्टार्ट हुआ, तो यही सब है। मेरिट में क्या है, AGN Q इन यूज। देखिए जो ये सब जो ड्रग होते हैं वो इजी होते हैं हमें यूज करने में, हम जल्दी यूज करते हैं, नो रिपीटेशन ऑफ ड्रग, और इसमें रिपीटेशन भी नहीं होता है, समझे। और अब हम डिमेरिट पढ़ते हैं। तो डिमेरिट में हम लोग का क्या है, साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग है, साइंटिफिक नेचर ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। जैसे बहुत सारे ड्रग होते हैं जैसे साइंटिफिक नेचर के जो ड्रग होते हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, समझे। ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर, ओरिजिनल सोर्स भी हम लोग को दिक्कत होता है इसमें। तो अब हम लोग चलते, ये समझ गए गाइस, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट में बताएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दूंगा, बाकी जो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। अब टैक्सोनॉमिकल से क्या समझते हैं, जैसे कोई ड्रग हो गया
तो उसका किंगडम कैसा है, उसका फाइलम कैसा है, उसका मतलब ऑर्डर कैसा है, उसका फैमिली कैसी है, उसका जीन स्पेसिस, ये सब देखते हैं तो उस टैक्सोनॉमी में देखते हैं, टैक्सोनॉमिकल में देखते हैं। किंगडम मतलब राज हो गया, फाइलम मतलब उसकी जाति क्या है, उसके गुण कैसे मिलते हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि हम लोग के हिंदू में कौन सा जात हो गया, जैसे यादव हो गया, और अगर पंडित उंडित में आ गया तो मिश्रा हो गया, या फिर हमारा बहुत से जात होते हैं। तो मैं यहाँ पे वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग भी किसी भी ड्रग का, हम लोग उसका किंगडम कैसा है, फाइलम कैसा है, ऑर्डर कैसा है, फैमिली कैसा है, जिन कैसा है, स्पेसिस कैसा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए उसका मेरिट क्या है, मेरिट में वही होगा, ईजी हो, ईजी है, हम लोग इसको समझ देते हैं, हेल्पफुल फॉर स्टडी या एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग कोई ड्रग बना रहे हैं तो उसमें ये हेल्पफुल बहुत हेल्प करता है। जैसे कोई हम लोग ड्रग बना रहे हैं तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि अगर उसका, अगर हमें जाति, अगर उसका जाति, उसका गुण, उसका कौन सा राज या कौन सा परिवार, ये पता रहेगा तो हमें बहुत जल्दी ड्रग हम पहचान लेंगे और ड्रग हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। डिमेरिट में क्या आ जाता है, द सिस्टम फेल टू द टेल अबाउट द केमिकल नेचर एंड थेरापोटिक सिग्निफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो ये देखिए इसमें डिमेरिट में क्या हो गया कि ये जो सिस्टम है वो फेल्ड हो जाता है, किसमें, केमिकल नेचर में, मतलब जैसे थेरापोटिक सिग्निफिकेशन में बहुत अलग अलग के ड्रग आ जाते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाता है। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये हो गया आपका किंगडम में हो गया, किंगडम, फाइलम, फैमिली, ड्रग। तो जैसे एंजियोस्पर्म और इसका वैक्सियम, ओपियम, ये ड्रग है, ये फैमिली है, ये इसका फाइलम है, तो ये समझ गए ना। अब मॉर्फोलॉजी हम लोग समझते हैं, मॉर्फोलॉजी इसको कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो उस ड्रग को हम लोग कहते हैं अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी करेक्टर सच एज देयर शेप, साइज, पार्ट ऑफ द प्लांट, एनिमल। जैसे कि हम लोग मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग इसके शेप और साइज से, जैसे कि जैसे कोई पपीता रख, कोई अगर आपको मान के चलिए नेचुरल रिसोर्स में मतलब जैसे पपीता है तो उसके शेप को हम लोग देख के पहचान लेते हैं ना अपने आँखों के थ्रू कि हाँ ये देखिए ये पपीता का शेप का, ये पपीता होगा, सेब हो गया, सेब किस कलर का है वो देख लिए। तो उसी में हम लोग ये देखते हैं कि उसका प्लांट का साइज क्या है, उसका शेप कैसा है, प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, तो वही मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं उसके। इसके इसको और दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, एक नॉन सेलुलर अनऑर्गेनाइजेशन से। अब देखिए एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइज में कि ड्रग ऑपरेट डायरेक्टली फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जैसे हम लोग यहाँ सेल ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट पार्ट प्लांट के पार्ट से हम लोग, जैसे कि लीफ हो गया, उसके देखो फ्रूट हो गया उसका भी एक पार्ट है, सीड उसका भी एक पार्ट है, रूट भी एक उसका पार्ट है, तो हम उससे ये सब एग्जांपल है। जैसे लीफ में हम लोग तुलसी हो गया, वेस्का हो गया, तो ये हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे नॉन सेलुलर अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, ड्रग जो होता है ड्राइव फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए जो ये नॉन सेलुलर अनऑर्गेनाइज होता है, ये हम लोग ड्रग को ही ड्राइव करते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट से। जैसे कि एग्जांपल हम गया ड्राई लेटेक्स ओपियम और गम हो गया, जैसे गम हो गया, गम से क्या मतलब जैसे कोई प्लांट हो गया यहाँ इस तरह के, तो यहाँ पर हम लोग जब इसको काटते हैं यहाँ से कुछ गोंद टाइप या फिर गम टाइप निकलता है, तो ये भी उसका पार्ट हो गया, तो ये वेल हो गया इसमें एग्जांपल में एक्सिया से। रेसिन हो गया, ड्राइड एक्सट्रेट हो गया, अगार हो गया, तो ये जगह। अब इसका मेरिट हम लोग पढ़ते हैं, क्या है इसका मेरिट, तो मेरिट में पहला क्या आ जाता है, वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई द अडल्ट्रेशन यूज। तो पहले बताएं कि ये ईजी मेरिट में हम लोग को सब जगह यही लिखना है कि ये बहुत इजी होता है, बहुत यूजफुल हो जाता है हम लोग को कोई भी ड्रग को पहचानने में, ठीक है सर। अब देखते हैं दूसरा क्या हो गया मेरिट में, मोर कन्वेंशन फॉर द प्रैक्टिकल स्टडी। जैसे हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत आसानी से हम लोग इसे मोर कन्वीनियंट मतलब बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जान जाएंगे
कि ये ड्रग कौन सा है। डिमेरिट में क्या हो जाता है, इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट केमिकल कंस्टिट्यूशन एंड यूज। जैसे केमिकल में बहुत तरह के केमिकल्स, हम लोग अगर हम लोग कोई भी चीज़ बना रहे तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, तो यही हम लोग का एक डिमेरिट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बोल रहे हैं इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग क्या सकते हैं, तो इन विच द ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल थेरापोटिक एक्शन। मतलब फार्माकोलॉजी से हम लोग, जैसे ये हम लोग फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग उसमें ये देखते हैं कि हम लोग जब हम लोग ड्रग अगर हम लोग कोई लिए तो उसमें हम लोग क्या एक्शन शो कर रहा है पेट में, क्या वो हो रहा है। तो इसमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम लोग यही समझेंगे कि देखिए तो इसमें हो क्या रहा है। तो इन विच जो ड्रग हो गया अरेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल थेरापोटिक एक्शन में, तो ये क्या होता है, इट इज़ ए मोर लिमिटिंग क्लासिफिकेशन वाइडली यूज। जैसे कि हम लोग कोई भी दवा खाएं, समझ लीजिए कोई भी हम लोग दवा खाएं, तो एक इमिट ड्रग हो गया। तो इमिट ड्रग हम लोग क्यों देते हैं, जैसे हम लोग को कभी उल्टी आ रहा है तो हम लोग उसके लिए इमिट ड्रग देते हैं। तो जैसे कि इमिट हो गया, प्रोग्रेटिव्स हो गया, सेना हो गया, एफसी हो गया, तो ये सब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। अब इसका मेरिट क्या है, तो दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेरापोटिक एक्शन। हम लोग इसको थेरापोटिक एक्शन से देखते हैं, सो दे आर द एजी यूज इवन देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट आर नॉट नोन। मगर ये जो होता है थेरापोटिक एक्शन हम लोग देखते हैं, मगर इसका जो वही बताएं केमिकल जो कंस्टिट्यूट होता है वो हमें नहीं पता होता है। अब डिमेरिट में क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी और केमिकल नेचर द ड्रग आर ग्रुप टुगेदर ड्यू टू देयर सेम फार्माकोलॉजिकल यूज। तो डिमेरिट में यही हो जाता है कि हम लोग ये देखिए क्या लिखा है, रिगार्डलेस ऑफ मॉर्फोलॉजी टैक्सोनॉमिकल और केमिकल नेचर। मतलब ये हो गया कि हम लोग इसका जो टैक्सोनॉमिकल और केमिकल में हम लोग ये पता नहीं कर पाते हैं कि किस नेचर का है और किस आइडेंटिफाई हम लोग कैसे नहीं कर पाते हैं, तो यही हो जाता है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में होता है इन विच द ड्रग आर अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर ऑफ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूशन प्रेजेंट इन द ड्रग। तो हम लोग देखिए केमिकल में हम लोग क्या समझते हैं, तो केमिकल में जो हो गया, जो हम लोग ड्रग होता है वो हम लोग डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करते हैं और केमिकल उसका नेचर हम लोग जानते हैं, तो हम लोग तो यही हम लोग पढ़ते हैं किसमें, केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो एग्जांपल में हो गया जैसे विटामिन्स हो गया, फिर एल्कलोइड्स हो गया, तो ये जैसे धतूरा हो गया, वेस्टिका हो गया, ट्रोपेंस हो गया, विटामिन हार्मोन्स में इंसुलिन हो गया, ईस्ट हो गया, तो ये हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं। इसका मेरिट क्या हो गया, द केमिकल कंस्टिट्यूशन एंड मेडिकल यूज आर नोन। हम लोगों का जब हम लोग ये लोग केमिकल कंस्टिट्यूशन में हम लोग इसको पता रहता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं हाँ ये कौन सा केमिकल है ये है। और डिमेरिट में होता है कि ड्रग आर डिफरेंट ऑर्गेन, और डिमेरिट में होता है ये कि जो ड्रग होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेन में होते हैं और आर द ग्रुप टुगेदर अंडर द सिमिलर केमिकल। तो बहुत ही केमिकल होते हैं मगर वो ग्रुप में सेम ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप में होते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने इसमें सेकंड लास्ट में कि कीमो टैक्सोनॉमिकल में। तो इन दिस क्लासिफिकेशन द इक्वल इंपॉर्टेंस इन गिवन फॉर द टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कंसिस्टेंस। अब जैसा कि हम लोग पढ़े थे किसमें टैक्सोनॉमिकल में, उसी तरह ये भी होता है कीमो टैक्सोनॉमिकल में, इसी तरह होता है सेम। तो इसका एग्जाम्पल जो हो गया ट्रोपोइन एल्कोलॉइड जनरली ओकर अमोंग द मेम्बर ऑफ सोलेंस, समझे गए। और ऑलगीरेसन जनरली ऑकर अमोंग द फिनिशिंग फैमिली। तो केमिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ लिए कि जैसा कि हम लोग टैक्सोनॉमिकल में पढ़े थे कि उसका उसका किंगडम फाइलम कैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसी तरह ही केमिकल, बस इसमें थोड़ा केमिकल ऐड हो जाता है। तो अब हम लोग पूरा लास्ट चलते हैं अपना क्या है, सेरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो सेरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, पहले सेरो मतलब क्या होता है, सेरो मतलब सीरम,
और इसको हम लोग सीरोलॉजी भी बोलते हैं। जैसे स्टडी जो करता है, जैसे कि यहाँ देखिए दो स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबायोटिक रिएक्शन इज कॉल्ड सीरोलॉजी। हम लोग जैसे कि कोई एंटीजन हो गया, कोई भी एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, उसका रिएक्शन अगर हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम लोग सीरोलॉजी बोलते हैं। इसका जो एप्लीकेशन होता है, इसका जो एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजी हो गया, वो सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम करता है। तो जो इसका एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन मतलब यूज, तो टैक्सोनॉमिकल का जो सीरोलॉजी का जो यूज होता है वो सॉल्विंग करता है टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम इन कॉल सीरोटैक्सोनॉमी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। और द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरी सिमिलर प्लांट बाय द मीन्स ऑफ डिफरेंट इन द प्रोटीन दे कंटेन। तो आपको ये सीरोटैक्सोनॉमिक में ये पूरा यहाँ तक लिख देना है। तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया क्लासिफिकेशन। तो ठीक है गाइस, तो अगर इसको याद भी करना है तो एक ट्रिक होता है, जैसे ये देखिए ATMPCS, तो ATM पैसा, ठीक है। तो आपको ये वाला ट्रिक से याद करना है, जैसे कि देखिए ATMPCS, तो ATMPCC दिख रहा है S, तो ये हम लोग इसे इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। तो गाइस ये आपको पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगला हम लोग इम्पोर्टेंट कौन सा पढ़ेंगे आपको अभी यहीं बता देता हूँ मैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, एक्सप्लेन अल्ट्रेशन एंड मेथड ऑफ इवोल्यूशन। तो हम यहीं पर बता देते हैं अल्ट्रेशन क्या होता है। वैसे कोई भी मिलावट हो गया, कोई भी ड्रग, जैसे कि जैसे हम लोग बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं दूध का, तो दूध में क्या होता है, जैसे कि कोई पानी मिला दिया, तो वो मिला दिया तो मिलावट हो गई ना उसमें, तो उसी को बोलते हैं अडल्ट्रेशन। तो यही सब हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये अडल्ट्रेशन का मुझे लेक्चर लाना है कि नहीं। तो गाइस टेक केयर और पढ़ते रहिए और अपना भविष्य बनाते रहिए। बाय बाय।